मुझे यामिनी का पीछा करना होगा ताकि पूजा और नागमणि का सच सबके सामने आ सके। शिवन्या, मुझे तुमसे बात करनी है। शेषा, तुम यहाँ? किसी ने तुम्हें देख लिया? तो जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे अभी बहुत जरूरी बात पता लगानी है। शिवन्या, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे और मासी के इंतकाम के लिए जी है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने लिए जी ही नहीं। जब भी कोई मुश्किल आए मैंने तुम्हें बताया, लेकिन अब तो ऐसी मुश्किल आई है कि जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा प्यार। पूजा का वक्त शुरू हो गया। शेषा, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी मुझे नागमणि के बारे में पता लगाना है और यामिनी के उस पूजा को रोकना है। शिवन्या, एक बार मेरी बात सुन लो। अभी नहीं शिवन्या। माँ, मैंने पूजा की सामग्री की सारी तैयारी कर ली है। माँ, हम ये पूजा नागिन से रक्षा के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर हमें नागमणि की पूजा भी करनी चाहिए। कहाँ रखी है माँ मणि? मैं ले आती हूँ। ये नागमणि के बारे में क्यों पूछ रही है? क्या ये जानती है मैं ही हूँ वो पांचवा कातिल? माँ, वो ऋतिक ने बताया कि वो सपने में खुद को नागमणि की पूजा करते हुए देखता है, तो मैंने सोचा शायद आप लोग इस घर में पहले नागमणि की पूजा करते होंगे। कहाँ है माँ मणि? बेटा, इस पूजा में नागमणि की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब से ये नागमणि इस घर में आई है तब से नागिन के वार बढ़ गए हैं। अब वो नागमणि बाहर आएगी, वो नागिन आ जाएगी और फिर हम सबकी जान खतरे में होगी। तो फिर हमें वो नागमणि इस घर से बाहर ही रख देनी चाहिए ना? हाँ नागिन, तू तो यही चाहती है ना, नागमणि घर से निकल के तेरे पल्लू में बांध दूं। भूल जा नागिन, भूल जा। नहीं बेटा, वो नागमणि इस घराने की धरोहर है, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कैसे पता लगाऊं नागमणि कहाँ छुपा रखी है यामिनी ने? बस किसी तरह ये पूजा शांति से हो जाए, इस पूजा में कोई विघ्न ना आए। नहीं आएगा माँ, मैं नहीं आने दूंगी। जा बेटा, अभिषेक के लिए दूध और शहद लेकर आ। बच गई। Yeah.
महेश्वती मुझे मेरे बेटे को बताना होगा, वो आ रहे मुझे जाना होगा। नहीं, रुक जाइए, आप नहीं जा सकते, आपकी जान को खतरा है, यामिनी आपको देखते ही मार देगी। नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं जाऊंगी और शिवन्या को भी बताऊंगी। ये पंचनेर की राजकुमारी पागल हो गई है, नागिन से नहीं डर रही, इसको पता नहीं नागिन इसको मार डालेगी। एंकी, इस मामले से तू निकल ले भाई, मुझे नागमणि नहीं चाहिए। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से निपटे। मैं अभी और जीना चाहता हूँ भाई, मैंने 48 साल का जवान खूबसूरत आदमी हूँ, मुझे जीना है। यामिनी का ये गुलाम ही बताएगा कि नागमणि कहाँ है और यामिनी कितना जानती है मेरे बारे में। नहीं करेंगे। जी, आप पूजा के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं हूँ। कहा पहले मुझे बताओ कि नागमणि कहाँ है। अगर तुमने ये नहीं बताया ना कि नागमणि कहाँ है, तो मैं सारी सच्चाई आपकी जो है घर वालों को बता दूंगा। कहाँ लेके जा रही हो? दिखा दी ना अपनी औकात, क्या जाकर बताएगा घर वालों को कि हम दोनों ने मिलकर उस नागिन के माँ बाप को मारा था। प्रीति को किस तरह से हैंडल करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी औकात में रहे, और अगर इस घर में रहना है तो। आप तो बुरा मान गई। नागमणि आप रखिए, मुझे नागमणि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नागमणि आपकी अमानत। मैं तो बस इसलिए ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस पूजा कराने का आपका मकसद क्या है, ताकि अगर मान लीजिए कि वो नागिन यहाँ पे आती है तो कम से कम मैं अपने बचने का उपाय तो कर सकूं। बस इसलिए जानना चाह रहा था। ठीक है, तू जानना चाहता है ना वो नागमणि कहाँ है। वो देख, वो कलश देख। वो कलश के अंदर? उसी के अंदर है वो नागमणि। सुन, इस नागमणि की पूजा आज मैं किसी इच्छाधारी नागिन से करवाऊंगी, ताकि उस नागमणि की सारी शक्तियां मुझे मिल सके। तो ये पूजा हमारी बहू शिवन्या से करवाने वाले हैं ना? फिर ये इच्छाधारी नागिन बीच में कहां से आ गई? लगता है अब तुझे सच्चाई बताने का वक्त आ ही गया है मालिक। ये जो हमारी बहू शिवन्या है ना, वो कोई इंसान विंसान नहीं है, तो इच्छाधारी नागिन है। हाँ। तू डर मत, डर क्यों रहा है हा? आज की पूजा खत्म हो जाए फिर मैं उस नागिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। हाँ, एक काम कर, तू जाकर पूजा के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज का ये दिन उस नागिन का आखिरी दिन होगा, और ये पूजा हमारी आखिरी पूजा। ठीक है। ओफो, क्या कर रहे हो तुम वहां? तो यामिनी जानती है मेरा असली रूप। मेरा शक सही था, अब मुझे किसी भी तरह उस कलश से नागमणि लेनी होगी। कुछ भी हो जाए, ये पूजा तो मैं नहीं करूंगी यामिनी।